हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ मित्तल। मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ जेल नेल एक्सटेंशन फॉर बिगिनर। स्टेप बाय स्टेप कैसे नेल आर्ट करते हैं, नेल एक्सटेंशन भी कैसे करते हो, वो सब मैं सिखाने वाली हूँ। आज का वीडियो है मेरा, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और उसको लास्ट तक जरूर देखना। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले हम क्यूटिकल को क्लीन करते हैं, इसलिए इस क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल को क्लीन करते हैं। पूरा क्लीन करने के बाद क्यूटिकल सीजर से हम क्यूटिकल को क्लीन करेंगे। फिर पहले क्यूटिकल पुशर से हमने पुश कर दिया है क्यूटिकल को, अब क्यूटिकल सीजर से हम उसको धीरे धीरे से कट करेंगे, क्योंकि खून निकल जाएगा तो कस्टमर को प्रॉब्लम होगी, इसलिए धीरे धीरे हम कट कर लेंगे। राउंड शेप में कट करेंगे क्यूटिकल को, और सीजर से भी कर सकते हैं, क्यूटिकल सीजर से और क्यूटिकल कटर से भी कर सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे उससे करिए। उसके बाद क्यूटिकल पुशर से पुश करना होता है क्यूटिकल को, और फाइलर से स्माइल लाइन देना होता है नेचुरल नेल को। जो हमारा नेचुरल नेल है उसको हम स्माइल लाइन दे देते हैं फिर, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप सबको क्या क्या चीज़ बिगिनर को लेनी होती है वो सब सिखाऊंगी। और आप सब मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर देना, और नेल प्लेट को हम फिर बफ कर देंगे, उसकी शाइन निकाल देंगे, लाइक फिर क्लीन कर देंगे नेल को। फिर हम नेल टिप को नेल की साइज के अकॉर्डिंग हम नेल को स्टिक कर देंगे ग्लू की मदद से। उसके बाद टिप कटर लेके हम नेल को कट कर देंगे। उसके बाद हम नेल को शेप दे देंगे, हमको जो भी शेप चाहिए, मुझे बैलरीना चाहिए तो मैं बैलरीना शेप कर दूंगी उसको। बेलेटना शेप में साइड वॉल होता है, तो फिर मैंने फाइलर साइड वॉल से कर दिया है। आपको जो भी शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप शेप के साइज कर सकते हो, छोटी बड़ी लेंथ आपको जो भी पसंद है उससे कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। मेरा शेप क्लियर हो गया है। ओके, बैलरीना शेप।
फिर अब फुल नेल को मैं बफ कर देती हूँ, नेचुरल नेल को और टिप को मैं मैच कर देती हूँ, इसलिए मैं बफ कर रही हूँ। ई फाइलर से नहीं कर रही हूँ, फाइलर से यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ हार्ड फाइलर से। हाँ पूरा नेल फाइल कर देती हूँ, नेचुरल नेल और टिप कटर को मैच कर रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। बेलरीना शेप नीचे से स्क्वायर होता है थोड़ा सा, तो फिर मैंने सीधा फाइलर कर दिया। उसके बाद क्लीन योर नेल्स, क्योंकि डस्ट बहुत आ गई होती है फाइलर करने के बाद, इसलिए उसके बाद हम बेस कोट यूज़ करेंगे और उसके 60 सेकंड क्योर करेंगे उसके बाद उसको। पूरे नेल को हम बेस कोट लगा देंगे पूरे नेल में। ओके, मैंने क्योर कर दिया है। अब मैं जेल की एप्लीकेशन करूँगी। इसमें मैंने बिल्डर जेल ले लिया है, IBD का जेल लिया है, पूरे नेल पे मैं अब बिल्डर यूज़ कर दूँगी। फुल टिप पे बिल्डर यूज़ करना होता है। ऊपर आपने ड्रॉप रखा है तो उसके हिसाब से आप नीचे नीचे बिल्डर को लेके आओ अपने ब्रश से, और उसके बाद बिल्डर की एप्लीकेशन होने के बाद उसको 60 सेकंड क्योर करो। क्यूटिकल एरिया पे आपको लगे कि ये ब्रश आपको नहीं खाता तो आप छोटा बड़ा या कोई भी ब्रश यूज़ करके भी कर सकते हो। उसको 60 सेकंड अब क्योर करना है। ओके,
अब हम फाइलर ई फाइलिंग फाइलर से हम फिर से उसको शेप दे देंगे। थोड़ा सा अनइवन दिख रहा है मुझे, इसलिए हम फाइलर से कर देंगे। ई फाइलर यूज़ करती हूँ। ये मैंने छोटा सा ही बीट लिया है, बीट से कर देती हूँ। और आप फाइलर से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ड्रिलर से ही करना है, फाइलर से भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो कीजिए। ओके, अब मैं उसको सॉफ्ट बफर से मैं बफ कर दूंगी। सॉफ्ट बफर है मेरा ये, उससे मैं पूरा नेल को बफ कर दूंगी और फिर क्लीन करके जेल पॉलिश की एप्लीकेशन करूंगी। उसको 60 सेकंड में क्योर करवाऊंगी। 60 सेकंड क्योर होने के बाद मैं फ्रेंच नेल आर्ट कर रही हूँ। इतना आर्ट करके मैं फिर उसको क्योर कराऊंगी, फिर वाइट कलर का ड्रॉप लेके लाइनिंग करूंगी। ओके, मैंने क्योर करवा दिया है। अब मैं अगेन उसको सेकंड टाइम यूज़ करूंगी। उसके बाद अब मैं वाइट कलर की लाइनिंग से वेवी लाइनिंग कर दूंगी। ये गलती से मुझे लग गया तो फिर उसको निकालना पड़ा। ओके, वो रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक सब्सक्राइबर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।